अखिल विश्व गायत्री परिवाराच्या वतीने खारघर कॉर्पोरेट पार्क मैदानात 21 ते 25 फेब्रुवारी 2024 दरम्यान अश्वमेध महायज्ञ करण्यात येणार आहे. या यज्ञासाठी गायत्री साधना करण्यात येणार असून रविवारी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून कलश पूजन करण्यात आलं. यावेळी प्रशांत ठाकूर यांनी अखिल विश्व गायत्री परिवाराचे आभार व्यक्त करत नवी मुंबईतील रहिवासी भाग्यवान आहेत की त्यांच्या परिसरात एवढा मोठा आध्यात्मिक कार्यक्रम होत आहे, यासाठी सहकार्य करणार असल्याचं सांगून हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी आपण सर्वांनी तन मन धनाने प्रयत्न करावेत असे आवाहन केले. यावेळी भाजपच्या रायगड जिल्हा प्रज्ञा सेलच्या अध्यक्षा गीता चौधरी, शोभा मिश्रा, शैलेंद्र त्रिपाठी यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. 22 जनवरी को राम मंदिर को सभी देशवासियों के लिए खुला हो रहा है और ये सभी देशवासियों के लिए हर्ष की बात है कि 550 साल जो संघर्ष चलता आया, आज हम सभी अपने आप को बहुत ही यहाँ पर हम भाग्यशाली समझेंगे कि हमें वो मंदिर का निर्माण पूरा होते हुए देखने का सौभाग्य मिला हुआ है. और ये जो परचम सिर्फ अयोध्या में नहीं लहराएगा, ये पूरे विश्व में भारतवासियों के जीत का परचम लहराता रहेगा, भारतीय संस्कृति की जीत का परचम लहराता रहेगा. हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति के कई सारे मानक है कि जिन मान्यताओं से पीढ़िया दर पीढ़िया हम अपने अगली पीढ़ी को संस्कारों का वरदान देते आए हैं. और मुझे बहुत खुशी है कि मैं जिस क्षेत्र का विधायक हूँ उस क्षेत्र में पूरे मुंबई के गायत्री परिवार के इस अनुष्ठान की शुरुआत हो रही है. और इसकी शुरुआत, इसकी आगाज आज आपने यहाँ से कर दी है, तो इसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ. मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान इस कार्य में हम सभी को पूरी शक्ति देगा, ताकत देगा. इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते मैं और हमारा भारतीय जनता पार्टी का सारा परिवार आपके साथ में इस काज में आपके साथ में रहेगा. आपने इस अवसर पर मुझे यहाँ पर आप सभी के बीच में आप इस पूजा में शामिल होने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. और आने वाले समय में आप सभी के जीवन में माता जी के यहाँ पर आशीर्वाद से कुशल मंगल बना रहे और ये यज्ञ पूरी ताकत के साथ इस भूमि में यहाँ पर यशस्वी हो. और उसके यशस्वी होने से इस पूरे खारघर के क्षेत्र को नई ऊर्जा मिले, नई चेतना मिले. आप सभी को फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद.